माध्यमिक विद्यालय ओझर जिला बड़वानी में आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों को एसआई श्री चौहान और एएसआई श्री सोनी ने आत्मरक्षा के गुर सिखाए। छात्राओं को गुड टच और बैक टच की जानकारी दी गई। शासकीय माध्यमिक विद्यालय ओझर जिला बड़वानी में आयोजित कार्यशाला में विद्यार्थियों को एसआई श्री चौहान और एएसआई श्री सोनी ने आत्मरक्षा के गुर सिखाए। छात्राओं को गुड टच और बैक टच की जानकारी दी गई। कन्या माध्यमिक विद्यालय ओझर में स्कूल की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को यातायात के नियमों की जानकारी देकर इनका पालन करने की बात कही गई। छात्राओं को संबोधित करते हुए गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया। साथ ही बताया गया कि किसी अनजान या अपरिचित व्यक्ति के बुरे हाव भाव पहचान कर तत्काल पुलिस को सूचना दें। छात्र छात्राओं को शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। हेल्पलाइन की भी जानकारी दी गई। पुलिस चौकी प्रभारी श्री चौहान साहब, एसआई श्री सोनी जी, प्राचार्य डाबर साहब, दीपक चौबे मौजूद रहे। आज एक गुड टच और शासन द्वारा जो ये चलाई गई अभियान के तहत गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को आज मैंने बताया है और नशा मुक्ति के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि आपको अगर कोई भी आते जाते स्कूल के रास्ते से कोई टच करता है तो इसकी सूचना अपने पालक को दें या पालक दे माता पिता को दे, यही पुलिस चौकी में दें। यही सारी बातें आज मैं बच्चों को इनको बताया हूँ। स्कूल में हमारी स्कूल में पुलिस आए थे, उन्होंने हमको बताया कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है और अच्छी अच्छी बातें बताई और हमको कहा है कि हमेशा सावधान रहे कि हमको कोई भी टच करता है तो हमको घबराना नहीं चाहिए, जाके मम्मी पापा को बताना चाहिए। और पुलिस सहायता केंद्र के बारे में कुछ? पुलिस सहायता केंद्र को भी बताना चाहिए, पहले मम्मी पापा को कहे, वो जाके आगे सूचित कर देंगे पुलिस। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम अपने बच्चों को खाना, कपड़े, ब्रश करना समेत बाकी सभी चीजों की अहमियत सिखाते हैं, उसी तरह उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताना भी अत्यंत आवश्यक है।